हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जीरो ऑयल किचन में आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर, और वो भी बिना किसी तेल या घी के, एकदम प्योर सूखा, यानी बिना तेल के, और वो भी परफेक्ट ग्रेवी के साथ, एक परफेक्ट टेस्ट के साथ, एक परफेक्ट न्यूट्रिशन के साथ, एक परफेक्ट फ्लेवर के साथ। खाने वाले को आनंद आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन तैयार करेंगे, ये मैंने लिया है 200 ग्राम समथिंग ये पनीर लिया है। इसको हम एयर फ्राई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर लेता हूँ। दोस्तों, आप फ्राई माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, ओटीजी में भी कर सकते हो। आप नहीं हो सकते जो आप बाटी सेकते हो, कुक ओवन होता है, बाटी ओवन, उसमें भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एयर फ्राई यूज़ लिया है तो आप भी लो। खूब सारी मेथड है, अपने को इसको फ्राई करना है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पनीर को ऐसे स्लाइस में काट लेंगे, फिर इसको फ्राई करने के लिए माइक्रोवेव में रख सकते हैं। मैं इसमें एयर फ्रायर में रख रहा हूँ इसको, 15 मिनट के लिए रोस्ट कर रहा हूँ। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन को गर्म कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं एक बहुत अच्छी टिप देने जा रहा हूँ। हम जब भी खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाना खा के स्वस्थ भी रहते हैं और बीमार भी होते हैं। बेसिकली खाना हमारी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है, और अगर खाना अगर सही तरह से मिल जाए तो फिर बात ही क्या। तो खाना दो तरह से होता है, दुनिया की जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा है दो तरह का होता है। 50% लोग जो मरते हैं वो ज़्यादा खाने से मरते हैं, ना कि गरीबी से। कैसे, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। खाना लोगों को पता ही नहीं है खाना क्या है क्या नहीं खाना है, तो सबसे पहला तो गड़बड़ वो यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये एक डॉक्टर का अनुभव है, मैं डॉक्टर का नाम भूल गया, और मुझे याद आ गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा। उसकी जीवन की पूरी उन्होंने बताया कि मेरा पूरा जीवन का जो, अगर आप मानेंगे कि क्या अनुभव है, तो उनका जीवन का एक अनुभव है कि दुनिया के 50% जो पेशेंट हैं वो मेरे पास जो आते हैं वो खाने पीने की गड़बड़ी से ही आते हैं। जो खाना पीना सही नहीं खा पाते हैं, उन्हीं से काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाती हैं। अगर वो खाना पीना सही तरीके से खा ले लोग, तो इन फ्यूचर कभी बीमार होने की दिक्कत ही नहीं आए, मतलब डॉक्टरों की छुट्टी हो जाए। तो मैं आपको एक वही मेथड बता रहा हूँ आज, कि आप जब भी खाना बनाएं इतने प्रेम से बनाएं कि खाना कोई भी खाए उसको अंग लगे, मतलब पूरा डाइजेस्ट हो। डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है। तो अपने फिंगर्स होती है हाथों की, सबसे पहले तो आप हाथों को अच्छे से धोइए, उसके बाद खाना बनाइए। लेकिन अपनी फिंगर्स से काफ़ी सारी वेव्स निकलती है, एनर्जी निकलती है। अगर आप बहुत पॉजिटिव वे से खाना बना रहे होते हैं तो पॉजिटिव बनता है खाना। खाने में न्यूट्रिशन के अलावा अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स अपने आप में जुड़ जाते हैं, जब आपका भाव शुद्ध हो, अच्छे मन से खाना बना रहे हो। तो जब भी आप खाना बनाएं, आप प्रेम पूर्वक बनाएं, फिर देखिए खाने पीने का स्वाद कैसा हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो कोई प्रेमी युगल होता है तो पत्नी चाहे रूखी सूखी बनाती है, अगर वो प्रेम से बनाती होगी, आपने कई बार देखा होगा बहुत खाने में बहुत बड़ा स्वाद आता है, और एक बहुत अच्छा सा खाना होटल से भी लाते हो आप, तो उसके सामने फेल हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि वो बड़े मन से बनाती है, पूरे प्रेम से बनाती है। तो चलिए, हमारा पैन गर्म हो गया है, तो मैं सबसे पहले आधे से कम चम्मच ये डालूंगा जीरा, क्यूमिन सीड, और इसको आप देख रहे हैं चिटपिट की आवाज़ आ रही है। मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ, देखिए पास से, जब ये ऐसे होने लग जाए, चिटर पिटर की आवाज़ आने लग जाए, ये रोस्ट हो चुका है। तो आप इसमें ऐड करिए प्याज। तो मैंने क्या कर रखा है, एक बड़ा प्याज काटा। तो ये दो तरह से काम आएगा। सबसे पहले मैं इसका बघाड़ लगाएंगे, यानी इसको फ्राई करेंगे। साथ ही में इसमें मैं ऐड करूँगा हरी मिर्च, हरी मिर्च एक कटी हुई पूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और थोड़ा
थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये मैंने इंडक्शन बंद कर दिया क्योंकि कुछ ज़्यादा हीट हो गई। मैंने वो डॉक्टर वाला गाना सुनाने लग गया आपको, तो ज़्यादा हीट हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा करीब, मैं आपको आज मेजर करके ही डालता हूँ। करीब 15-20 ml पानी मैं डालूंगा, डालते ही मुझे ढक्कन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत तेज गर्म हो गई है। ये देखिए आप, हमारा पानी ऑलमोस्ट उड़ गया है। थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूंगा और इसको बिल्कुल सिम हीट पर मैं वापस पकाऊंगा 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों करीब करीब हमारा प्याज पकने के लिए तैयार है, पक गया है। इसका टाइमर बंद हो जाता है, उसके बाद हम ऐड करेंगे। मैंने पहले से चॉप करके 2 बड़े टमाटर यानी 200 ग्राम आपको टमाटर लेने हैं, और उनको मिक्सी में अच्छे से इनका पेस्ट बना लीजिए। ये ग्रेवी में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छी स्मूदी हैवी मतलब ग्रेवी बनेगी, कलर भी बहुत अच्छा आने वाला है। और हमने करीब 200-250 ग्राम मटर लिए हैं। ये हमारा प्याज पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये जो पहले से हमने प्यूरी बना रखी है वो ऐड करेंगे, साथ ही में ये बचा हुआ प्याज जो मैंने बचा रखा था वो ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ये हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। तो इनको मैं अच्छे से हिला के अच्छे से मैश कर लीजिए आप इनको, फिर करीब 5 मिनट तक, 4-5 मिनट तक पकाइए बिल्कुल सिम आंच पर। तो मैं इसको इसका लिड वापस से बंद कर देता हूँ और इसको पकाते हैं 5 मिनट के लिए। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गया था जिसे हम कहेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक, और अदरक बहुत थोड़ी मात्रा में लेनी है, 1/2 से भी कम स्पून आपको अदरक लेनी है। और 1 चम्मच मैंने मिक्स पहले से इसको अच्छे से कूट पीट रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैं वापस इसमें मैश कर देता हूँ अच्छे से, फिर वापस इसका मैं लिड बंद करने वाला हूँ। तो मैं इसका लिड वापस बंद कर देता हूँ और टाइमर लगा देता हूँ 5 मिनट का। दोस्तों हमारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं और देखते हैं हमारा ग्रेवी पक्के एकदम परफेक्ट तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने एयर फ्राई किए थे, ये पनीर आप देख सकते हैं एकदम सुनहरी कलर के अच्छे से रोस्टेड हो चुके हैं एकदम। आप देखेंगे क्रिस्पी सा टेस्ट लेना हो तो आप ऐसा थोड़ा डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ज़्यादा आप रोस्ट ना करें। तो मैं ये पनीर इसमें मिक्स कर रहा हूँ और साथ में ये जो हमारे मटर हैं ये भी मैं साथ ही में मैं मिक्स कर रहा हूँ। और अब हम इनको पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट, क्योंकि ये जो मैंने फ्री पैकेज ये लिए हैं मैंने मटर, ये पहले से ही पके हुए आते हैं, तो इनको पहले अच्छे से वॉश कर लें फिर उसके बाद यूज़ लें आप।
तो मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इनको पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। मैं इसका वापस लिड बंद कर देता हूँ और ऑन कर देता हूँ इंडक्शन, और 2 मिनट का मैं इसमें टाइमर सेट कर देता हूँ। चलिए 2 मिनट बाद वापस मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे 2 मिनट पूरे हो गए और हमारी देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनके एकदम परफेक्टली तैयार है। जैसा कलर कॉम्बिनेशन टेक्सचर वगैरह देख सकते हैं कैसा अच्छा सा कलर है। अब हम इसमें धनिया जो हमने काट रखा है वो उसको इसमें डालेंगे। हरा धनिया काट के डाल लीजिए और फिर से एक बार अच्छे से इसको वेल मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा धनिया अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसका क्लोजर लुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं आज फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ये वीडियो आपने पूरा देखा शुरू से अंत तक, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप अपने मित्रों और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे और आपकी वजह से उनके हेल्थ में अच्छे सुधार आएंगे तो हमेशा आपको याद रखेंगे और आप भी चाहेंगे अपने नियर एंड डियर का अच्छा स्वास्थ्य हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ।